तरफ भी नजर कर लेते क्योंकि जो प्ले के हम बात कर रहे थे वो दर्शकों को भी दिखाना जरूरी हो, तो आप ये देख ले कार चेज की बात कर रहे थे। बिल्कुल, आप देख सकते हो अमन की गाड़ी जो पहले एकदम से यू नो टेढ़ी मेढ़ी घूमी, सो वहां पर अमन का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया था एंड जेड को वहां पर एक एडवांटेज मिल गया, मेंटल एडवांटेज, अमन को बस गाड़ी भगानी थी एंड पान सिंह वॉज एक्चुअली शूटिंग ऑन देम एंड बाकी यू नो सूर्या के पास एक चीज था, पान सिंह ने बोल दिया तू बस गाड़ी लगा दे इसके पास एंड जैसी गाड़ी लगी बिकॉज टायर्स फंस चुके थे सो इंजन वॉज क्रॉसिंग ओवर एंड यहां पर अमन को डाउन किया गया, नो हेलमेट नो वेस्ट, सो एक शॉट भी उतना ही डैमेज करने वाला जितना कि नॉक के ऊपर डैमेज होता है एंड पान सिंह टुक दिस फाइट। वहां पे अमन की अगर बग्गी मेरे ख्याल से ड्रिफ्ट ना होती तो अमन निकल जाता बिकॉज एस्केप ईजी था वहां पे बिकॉज पान सिंह की गन भी वहां पे रिलोड भी नहीं थी और ये वाली जो जेड गॉड ने जो यहाँ पे डीगल के शॉट लगाने शुरू करते मेरे ख्याल से एक शॉट लगा भी था बाद में, किसलिए यहाँ पे आके कार यहाँ पे उन्होंने बाइक पार्क करी थी यहाँ पे उनके पास था उनको मिला पैन अंदर से एंड इंटरेस्टिंगली ये वाली फाइट मेरे ख्याल से वो पैन मार दो इंटरेस्टिंग ना था बट यहाँ पे पीछे पान सिंह ने बोला ट्रेलर दिखाया था भाई अभी पहले अभी पिक्चर पूरी बाकी थी एंड वहाँ पे पान सिंह ने एक रन ओवर दिखाया वहाँ पे एंड मेगा फाइनल बॉस पीछे से आए थे एंड ही आल्सो गॉट नॉट बिकॉज पीछे से एक कवर फायर और आ गया था। बिल्कुल, जेड गॉट की हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, फिनिशेस बहुत जल्दी करती है, हमें पता है जेड की स्क्वाड काफी अच्छे से फिनिशेस किए एंड ये जो क्रॉस बोस के साथ यू नो प्रॉपर एक डेयरिंग तरीके से फाइट ली जा रही थी, लोग देख रहे हैं कहाँ पे बंदा दिखता है बट दूसरी तरफ से डीगल के शॉट्स, हर तरफ से शॉट्स पड़ रहे थे, हर तरफ से फाइट्स हो रही थी। डीगल इज अ रियली गुड गन बिकॉज हमने पहले ही बात करें कि डीगल का डैमेज इज वन ऑफ द हाईएस्ट आउट ऑफ एनी गन, सो उसके कारण एनी गन उनका निकलना था बट देन जैसे यहाँ पर पहुंचते पीछे से एडिक्वेट बैकअप भी आता है, फाइट शुरू होती है एंड यहाँ पर मेगा की स्क्वाड के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है एज यू गाइस कैन सी रीलोड 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 फनी थिंग्स गोइंग ऑन सम फनी बिजनेस वॉज हैपनिंग बट ये तो कुछ अलग ही अलग ही सीन चल रहे थे बिकॉज जब हम स्टेडियम में बैठ के देख रहे थे लोगों की चैन क्या हो जाते वहाँ पे हंसी की आवाज आ रही थी लिटरली हम जब नीचे सोफा पे बैठे हुए थे एंड मेगा का स्क्वाड मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा होगा एक ये अर्ली एग्जिट से बिकॉज यहाँ पे एक होता है कि सामने हमारे पास भी वेपन्स हो सामने वाले के पास भी एक फेयर फाइट हो तो एक वो हारते चलो कोई दिक्कत नहीं एक कोई मान लेते हैं बट बाद में फिर वही वाली बात आ जाती है कि पैन से और वो मेले वेपन से कैसे मरना वो लगता है वहाँ पे मेगा फाइनल बॉस से यहाँ पे सुन सकते हैं बट यहाँ पे सोल का वाइपर यहाँ पे आखिरी में जो रन ओवर करके गया था सांगवान को दैट वाज समथिंग अमेजिंग बट यहाँ पे सीरवी के सामने जो जिसकी मैं बात कर रहा था पे जैसे देखो ड्राइविंग सीट उसके जैसे ही उतरा वो सीरवी